आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के एक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में सिलक मिल का एरिया कहलाता है। हमने देखा है लगातार खासकर कई बस्तियों के अंदर कई समस्या थी, पानी की थी, लाइट की थी, रास्तों की थी, सारी बात थी। और खास देखिए, अब जिस शख्सियत के सामने मैं खड़ा हूँ, ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, ये लगातार संघर्ष कर रहे थे। लोग उनसे पूछ रहे थे कि साहब, कोई कह रहा था आप सरकार में है, कोई कह रहा था क्या है, कोई कह रहा था आप शहर अध्यक्ष है। और एक जिम्मेदारी भी थी साहब, जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है ना, हम तो बोलते हैं आसानी से बोलते हैं यार शहर अध्यक्ष है, लेकिन पीछे कितने पसारे फैले हुए थे, परेशानियाँ रहती है ना, उसको पता चलता है। कहने का मतलब ये है कि एक बड़े संघर्ष के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद ये काम को मंजूरी लाया है। और आप समझ सकते हैं कि प्रशासन में कौन बैठे हुए, किस तरह की राजनीति चल रही है, और उसके बीच में से एक हल्लक में से हाथ डाल के कोई काम को लाना लाखों करोड़ रुपए का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई मजाक नहीं होता है। चलिए, अब काम किस तरह से है, किस तरह का नियोजन है, कितनी गलियों का काम है, ये तमाम तफसीलात हम जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल आपका खैर मकदम है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आज? ये काम तो बहुत पहले होना था और इसका टेंडर भी हो गया था, मगर इसमें ऐसा प्रॉब्लम था कि वहाँ से पानी का जो खड्डा था तो उसको निकालने जगह नहीं थी। तो हमने वो आधा रोड बनने के बाद इसको जो बजट लग रहा था, जब बजट कम था और इसको बजट भर्ती का उसके अंदर टेंडर में नहीं था, तो उसके लिए ये लेट हुआ। ये होना था, पहले होना था, मगर ये लेट हुआ। और उसके बाद में, और इस मेरे सिलक मिल में के तो बहुत से रोड़ा बन गए, पर जो मेन रोड थे, मेरा टेंडर हो चुका था, वर्क ऑर्डर हो चुकी थी, मगर प्रशासन जब लग गया उसके बाद में उन्हें पूरे के पूरे जितने जो रोड थे, 7 करोड़ के मेरे वार्ड में काम थे, उन्होंने पूरे पूरे उड़ा दिए। उसके अंदर 1 करोड़ रुपए का काम उन्होंने रखे थे। वो 1 करोड़ में भी आज हमने ये जो रोड का काम है, हम झगड़ के ये 20 लाख का ये काम कर रहे हैं। अब उसमें अंदर के तो बहुत से काम होंगे, इस मेन जो 2 रोड है वो जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल से वो भी काम चालू होने वाले। और जो मेन रोड है वो स्मार्ट सिटी के अंदर वो टेंडर हो चुका है, ओनली सिर्फ एक लाइन डालना है उसके अंदर पानी की लाइन के लिए, जो सादात नगर को जाने वाला और ये उड़ान पुल के नीचे का काम स्मार्ट सिटी के अंदर वो टेंडर में बोल दो काम मंजूरी में है, पर वो सिर्फ एक पानी की लाइन, उसमें से जालन नगर को एक लाइन जा रही, उसके लिए रुक गए। वो जल्दी से जल्दी हम वो पानी के वाले परोटा वाले के पीछे लग के वो भी रोड का काम शुरू करेंगे। देर हो दुरुस्त हो, मगर आज अल्लाह का करम है, आज ये काम मस्जिद यहाँ पे थी और यहाँ पे ये काम हो रहा है। मैं जो भी ये लोगों का, हमारे पटेल साहब और हमारे या आड़दा जी, दोनों तो हमेशा बोलना यार हमारा कब बनते यार, वो तकलीफ थी, मस्जिद थी वहाँ पे, जाने को रास्ता नहीं था, हमेशा पानी रुकना, हमेशा ख़राब होना। आज अल्लाह ने ये काम आज शुरू हुआ, ये 20 लाख का काम है। वो उधर के जो अपनी मोहम्मदी मस्जिद है उसका भी 1-2 दिन में मेरे ख्याल से वो टेंडर हुआ वाला, वो भी काम शुरू होने वाला है। और बाकी के ज़्यादा काम ने 2 या 3 रोड बचा ली, इंशाल्लाह वो भी होगा। और सफ़ा मस्जिद के पास का भी, वो भी टेंडर वाला 50 लाख का, वो भी काम है, वो भी जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, अक्सर देखते हैं कि जो आमदार हमारे होते हैं वो भी अपनी निधि से कुछ काम करते हैं, और आप भी तो शख्सियत ऐसे साहब, आपके ताल्लुक का सबसे, मतलब आपको सब आदर सम्मान करते हैं, कि आमदार कोटे से भी निधि से भी कुछ आपकी महल्लों को फंड लाया आपने? नहीं, मैं निधि का हमारे पास कोई आमदार ही नहीं था, और मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं महानगर पालिका से, हमारे पास जो सिलक मिल कॉलोनी जो है, पूरे लोग टैक्सेस भरते और अच्छे लोग हैं, और हमको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने पूरे रोड बनाए थे, 1-2 रोड 3 रोड बनाए थे, वो भी मैंने 7 करोड़ रुपये रख चुका था। और प्रशासन जैसा लग गया तो पूरे हमारे पांडे साहब जब थे, उन्होंने पूरे जितने नगर सेवक के पूरे पैसे उड़ा दिए, और उसके बाद में उन्होंने हमारे को 1-1 करोड़ रुपये दिए। 1 करोड़ में से फिर बाद में और कम करके 50 दिए, 50 में से ये 20 का काम हो रहा, मतलब 7 में से 20 लाख का काम, जब हम 3 साल पहले 7 करोड़ रुपए रखे थे उसमें 20 लाख का काम अभी शुरू हो रहा है। उन्होंने इतने पूरे पैसे उड़ा दिए, और मुस्लिम एरिया में के तो जानबूझ के उड़ा दिए उन्होंने। तरह से आपने देखा ये काम शुरू हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, हम देखते पूरे शहर के अंदर कोई ना कोई वार्ड में उद्घाटन हो रहे हैं, सारी बात हो रही है, नारियल फूट रहे हैं, बड़े शौक से लोग पानी भी पी रहे हैं, खोपरा भी खा रहे हैं। लेकिन एक बात है साहब, ख्वाजा भाई ने एक बहुत बड़ी बात की है, 7 करोड़ का वजह था होते होते इतने कम पे आया, और बहुत खुल के इजहार करा है कि जब मुस्लिम जो बहुमूल्य इलाके थे तो वहाँ के खासतौर से उड़ाया गया,
अभी एक जवाबदार व्यक्ति है, शहर अध्यक्ष है, इनको राजनीति मालूम है, क्या चलता है सारी बात है। अब सवाल ये तो एक सवाल उठता है कि जो औरंगाबाद में तमाम जो लीडरशिप पार्टी की है और जो कहते हैं कि हम जातिवादी नहीं करते हैं, ये उनके पास सवाल उठ रहा है। जब 7 करोड़ मंजूर हो गए थे तो क्या कारण है कि 7 करोड़ ये 7 करोड़ का बजट जो है कैंसिल हुआ, ये आप पे सवाल उठता है। जो भी है आमदार है खासदार है तीनों क्षेत्र की सारी बात है, आप तो दावा करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम राजनीति करते हैं, तो फिर ये मुस्लिम महिलाओं के साथ ये नाइंसाफी क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातचीत से जो बात निकल के आई है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा। या नहीं तो बोल दो भाई हम तुम्हारे हैं नहीं, जो भी एक दिशा देख दिलासा देते हम तुम्हारे हैं। कब तक चलेगा साहब? 75 साल हो गए, आर पार की लड़ाई कर दो भाई, हम तुम्हारे नहीं, हमको तुम्हारे वोट भी नहीं होना, ऐसा तो भी कर दो। फिर जो भी स्टेट्स पे आके बोलते हम हिंदू मुस्लिम भाई 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 भाई, ये क्या है? फिर ये क्या है? ये तकलीफ दूर करो, सही माना जाएगा कि आप भाई भाई है, आप एकता की बात करते हैं, ये कड़वा सच है, ये मैं साफ साफ अल्फाज में कह रहा हूँ। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की दिल की बात रहती है, जो चौराहे पे नुक्कड़ पे होटल में होती है, उसको मैं कहता हूँ, अपने अल्फाज से कहता हूँ। तो समझिए, राजनीति करो आप कुछ भी करो, लेकिन विकास पहले करो, यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है।